soil erosion. Soil erosion means most important layer of soil is the topsoil for the crop. Soil erosion means the topsoil, removal of topsoil. Soil erosion implies the removal of topsoil by agent such as wind and water. किस वजह से टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है? ड्यू टू विंड एंड वाटर. वाटर मीन्स तेज बारिश और विंड तेज हवाएं आए तो हवा उड़ जाती है और सॉइल उड़ जाती है. विदाउट ह्यूमन एक्टिविटी लॉसेस ऑफ सॉइल थ्रू इरोजन वुड प्रोबेबली बैलेंस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉइल. सॉइल इरोजन कई बार तो इसलिए होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कुछ ऐसे एक्टिविटी करते हैं कि सॉइल इरोजन होता है. अगर ह्यूमन एक्टिविटी के बिना सॉइल इरोजन हो रहा है तो उसको बैलेंस करना पड़ता है नई सॉइल ला के, कि हमारी गलती नहीं है, वो नेचुरल कुछ ऐसा हो गया. Without human activity, losing of soil through erosion in most area now balanced by formation of new soil. In forest and grassland, vegetation protect the soil. कह रहे हैं जंगलों में जो पेड़ होते हैं वो और ग्रास जो होती है वो सॉइल को पकड़े रखती है, जिससे कि सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं. Rainfall on the surface of grass, on the leaves of trees, some of the moisture evaporate before it can reach the ground. कह रहे हैं वहाँ जब बारिश आती है ग्राउंड में पहुँचने से पहले वो ऊपर ग्रास के ऊपर पानी पड़ा रहता है कुछ, या फिर ट्रीज के लीव्स पे पानी पड़ा रहता है तो वो अपने आप इवेपोरेट हो जाते हैं. मीन्स वो सोयल में तक नहीं जाता सारा पानी. ट्रीज एंड ग्रास सर्व एज विंड ब्रेकर, और ट्रीज और ग्रास को विंड ब्रेकर भी कहा है. ये हवा को रोकने में हेल्प करते हैं. एंड नेटवर्क ऑफ प्लांट रूट हेल्प टू होल्ड द सोयल इन प्लेस अगेंस्ट द एक्शन बोथ. कह रहे हैं जो प्लांट्स हो ना जिस जगह पे, वहाँ अगर तेज हवाएं चलें या बारिश आए तो सोयल इरोजन नहीं हो पाता. नेटवर्क ऑफ प्लांट रूट्स हेल्प टू होल्ड द सोयल, वो मिट्टी को पकड़े रखते हैं इन प्लेस अगेंस्ट द एक्शन ऑफ बोथ रेन एंड वी. नेक्स्ट एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, एग्रीकल्चर खेती करना, अलोंग विद हाउसिंग या घर बनाना, इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट फैक्ट्री बनाना, हाईवे, बड़े बड़े हाईवे बनाते हैं, रोड, बाईपास रोड जैसे बनते हैं, डिस्ट्रॉय द प्रोटेक्टिव कैनोपी ऑफ वेजिटेशन एंड ग्रेटली स्पीड ऑफ इरोजन ऑफ सॉइल. तो इनकी वजह से पेड़ काटने पड़ते हैं और सॉइल इरोजन वहाँ ज़्यादा हो जाते हैं. ओवर ग्रेजिंग, जैसे जानवर चर रहे होते हैं, घास खा रहे होते हैं, ओवर ग्रेजिंग बोलते हैं, घास खाते हैं जो, अगर वो ओवर हो जाए तो वहाँ की जो लैंड है डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. ओवर ग्रेजिंग कैन चेंज ग्रास लैंड इन टू डेजर्ट. केयरलेस कल्टीवेशन, फसल ढंग से ना करो, फसल को भी करने का एक मेथड होता है कि कितने टाइम में दोबारा फिर फसल उगानी है. ये नहीं है कि फसल अब उगाई कुछ महीने बाद या साल बाद, बीच में गैप करना पड़ता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना वो कवर अप नहीं हो पाते. तो केयरलेस कल्टीवेशन विच इन्वॉल्व लीविंग द फील्ड फैलो फॉर सम टाइम कोज सोयल इरोजन. प्रिवेंटिंग सोयल इरोजन को कैसे प्रिवेंट करेंगे? सोयल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एक्सटेंसिव एफोरेस्टेशन, पेड़ उगाने पड़ेंगे. दिस इन्वॉल्व प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑन बेयर लैंड्स एंड नियर बाई फील्ड, अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग. ये पीछे भी हमने कहा था कि अवॉइड करना पड़ेगा, जानवर ये नहीं एक ही जगह पर उनको लेके जाओ, कभी किस जगह पर ले जाओ कभी किस, ओवर नहीं होना चाहिए. अवॉइड ओवर ग्रेजिंग एंड
ओवर यूज़ ऑफ लैंड, और वही मैंने बताया कि लैंड को कुछ टाइम के लिए खाली रखना चाहिए, ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। आल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग सोइल इरोजन। वी नीड टू रिमेंबर सोइल इज प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, ये नेचुरल रिसोर्स है लेकिन बहुत कीमती है। इन ऑर्डर टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, अगर हमने अपनी लाइफ को बचाना है तो इसको बचाना पड़ेगा। डिस्ट्रक्शन एंड मिस यूज, हमें ज़्यादा कंस्ट्रक्शन सोच समझ के करनी चाहिए और उसको मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। अब सच प्रीशियस नेचर रिसोर्स नीड टू बी अवॉइड एट ऑल, तो हमें अवॉइड करना चाहिए, इसको मिस यूज़ नहीं करना चाहिए।